रूमर रे से WWE के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम ये बातें गाइस कही है WWE ने। और भाई WWE ऑन फॉक्स ऐसा कह रहा है कि भाई रूमर ऐसी है बेस्ट WWE के अंदर सुपरस्टार। इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो कन्फर्म बात करेंगे द बैला ट्विंस के रिटर्न के बारे में, क्या है इनके रिटर्न के प्लान्स, क्या इनका रिटर्न हो सकता है या फिर इसके ऊपर इन्हें खुद अपडेट दी है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के बारे में और भाई विंस मैकमैन को इवन WWE को बहुत ज्यादा हो चुका है प्रॉफिट, इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। और कैसे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते NXT के रेटिंग्स के बारे में, क्या है इस हफ्ते NXT का व्यूअरशिप का हाल, इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ में। और सबसे पहली अपडेट जो है NXT से रेटिंग से, NXT है भाई बहुत आउटस्टैंडिंग NXT है मुझे लगी। एडम कोल ने जिस तरह से मेन इवेंट में आकर जो है सुपरस्टार मतलब हमारे कैरियर को उसके ऊपर अटैक किया और भाई स्टिल जो है फेस ऑफ काफ़ी बढ़िया WWE ने बुक किया था मेन इवेंट के अंदर। स्टिल रेटिंग जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले से थोड़ी ऊपर नीचे हो चुकी है, पर स्टिल रेटिंग थोड़ी बढ़ गई है और रेटिंग्स आई है 669K जो कि NXT के अंदर अच्छी रेटिंग आई है। स्टिल इसके नेक्स्ट पास्ट वीक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर से ऐसी कुछ जो है रेटिंग्स आई थी, बट स्टिल ये रेटिंग जो है NXT के लिए अच्छी है। और भाई यहाँ पर से NXT जो है हर हफ्ते अपने रेटिंग्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर रही है और भाई जो है NXT का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और भाई NXT के अंदर काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिल रही। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर से Aleister Black ने भी हाल फिलहाल में गाइस कर दिए हैं सब WWE के रोस्टर की तारीफ, मतलब विंस मैकमैन की उन्होंने तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि विंस मैकमैन काफ़ी बड़े इंसान है, उसकी वजह से मुझे WWE से निकाला नहीं गया है। और भी उन्होंने कहा है कि गाइस यहाँ पर से जो विंस मैकमैन है यहाँ पर से साथ ही साथ जो पॉल हैमन है उन्होंने मुझे WWE के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क करने के लिए पुश किया था, मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंट देने के लिए उन्होंने मुझे क्रिएट किया था, मेरे ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया था। और उन्होंने कहा कि भाई मैं सब लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतना मुझे WWE के अंदर जो है पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया था। और उन्होंने कहा कि भाई जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं जो हूँ उन सबका थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जो है WWE के अंदर इतनी अच्छी पोजिशन के अंदर लेकर आए। और भाई यहाँ पर से यही कुछ कहना रहा Aleister Black का। और गाइस हम लोग बात करें तब सेकंड अपडेट की, और गाइस सेकंड अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर से हम लोग बात करते हैं WWE के बड़े प्रॉफिट की। WWE का हर कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कभी कभार जो है लॉस वगैरह भी होता ही रहता है सभी फैकल्टीज के अंदर। पर गाइस WWE ने जो रिसेंट अपने रिलीज किए थे बजट कट के थ्रू उससे WWE को ज़्यादा फायदा हो चुका है। WWE ने और बीच में रिलीज किया था ब्रॉन स्ट्रोमन, Aleister Black, बॉडी मर्फी जैसे सुपरस्टार को और भाई इसके तहत विंस मैकमैन को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है और भाई काफ़ी अच्छा WWE को फायदा भी पहुंचे हैं सुपरस्टार के रिलीज करने के बाद। जब भी बात आती है WWE के अंदर रिलीज की तो WWE को अच्छा खासा जो है यहाँ पर से प्रॉफिट होता है, WWE को लॉस जो है नहीं होता है। और भाई इसके चलते WWE को इस बार भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और भाई जो पिछला रिलीज था उससे ये जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट WWE को इस बार 2000 के अंदर मिला है और भाई यहाँ पर से विंस मैकमैन को अच्छा प्रॉफिट मिला है। लोग बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की, नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी है जिस बार हमारे यहाँ पर से बैला ट्विंस के बारे में। और क्या बैला ट्विंस इस बार करने वाली है अपना रिटर्न? बैला ट्विंस आपको पता है जैसे निकी एंड ब्री बैला की डी में, तो गाइस यहाँ पर से निकी बैला एंड ब्री बैला का इंटरव्यू होता है जहाँ पर से वो बात करती है कैसे यहाँ पर से कैसे उनका इंटर WWE के अंदर करियर रहा। उन्होंने जो है यहाँ पर से स्टेफनी मैकमैन को फेस किया था यहाँ पर से निकी बैला ने और गाइस ब्री बैला ने, और भाई यहाँ पर से वो कहती कि मुझे जो है एक WWE के अंदर हमको इच्छा है जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर से फिर से एक बार WWE के अंदर एक वुमेन रेसलर को फेस करना है। और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है WWE के अंदर दोबारा अपने रिटर्न करने वाले हैं, जल्द से जल्द हम जो इसकी कोशिश करेंगे और हम जो है रिटर्न की तैयारी भी अब कर चुके हैं। और भाई यहाँ पर से यही कुछ कहना रहा निकी एंड ब्री बैला का। और कैसे यहाँ पर से जो बैला टीम्स है वो यहाँ पर से रिटर्न करने के लिए तैयार है, उनको अब जो है WWE के अंदर और एक मैच के लिए रिटर्न आना है। तो यही कुछ बात है जो कि बैला टीम्स कहती है। और कैसे यहाँ पर से आते तो रॉक वुमेन्स डिवीजन के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। पर बात कर लेते हैं अब हम लोग सेकंड अपडेट की, नेक्स्ट अपडेट जो है इस बार कैसे हमारे ऑथर ऑफ पेन यानी कि AOP के बारे में। AOP को मैंने आपको जो है कल वाले वीडियो के अंदर बताया था, AOP को मतलब उनको WWE से निकाल दिया तो था बट उन्होंने रेसलिंग को क्विट नहीं किया था। और जैसे के ऊपर और एक बड़ी स्टोरी रिवील हो चुकी है, आपको पता है एक कमेंट रेजर एक टीम है
और गाइस ये सब स्टोरी सुनने के बाद जो है ये दोनों जो है ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करते हैं जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर से उन्होंने कहा है एंड डिडंट इट ब्लीच, और वह यहाँ पर से नीचे जो है मिडल फिंगर ऊपर करके फोटो डाली एक एम एंड की। ये सेम ट्वीट जो है दोनों अपने अपने अकाउंट के थ्रू पोस्ट करते हैं, और वह जैसे कि साफ सी बात है कि ये दोनों जो है डब्ल्यूडी रिटायर तो नहीं हुए। नेक्स्ट बात कर लेते फाइनल अपडेट की, और वही है रोमन रेस के बारे में। रोमन रेस भी बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बेस्ट सुपरस्टार। ये बातें कह रहे हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फॉक्स का ऑफिशियल अकाउंट पर। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू फॉक्स जो है भाई ऐसी चीजें करने में बहुत ज्यादा माहिर है, और भाई यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फॉक्स क्या करती है जो कि अपना ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक जो है मतलब एक पूरा एक फोटो वगैरह सब सुपरस्टार की पोस्ट करते जो कि देख पा रहे होगे। और भाई यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यू लिखते हैं 10 सुपरस्टार जो कि फैन फेवरेट है फॉलोवर्स में। सबसे पहले रोमन रेंस, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस, उसके बाद जेरुड बिगी, तो बैक लिंच एंड जॉन सीना है। और भाई यहाँ पर से ये सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े सुपरस्टार है, बट टॉप लिस्ट के अंदर आप देखो तो भाई रोमन रेंस का नाम यहाँ पर से सबसे नंबर वन पर है। और भाई रोमन रेंस ही है डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार इन डब्ल्यूडब्ल्यूई नाउ। और भाई यहाँ पर से खैर जो बात है 101% कन्फर्म ट्रू है भाई कि रोमन रेंस से बढ़िया और कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी तक खैर सुपरस्टार है नहीं, जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू का अच्छा अभी फिलहाल वक्त चल रहा है रोमन रेंस से काफी बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सपोर्ट सुपरस्टार है। तो इस बात की आज की हमारी वीडियो बस यही तक की थी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बिल को भी आन ताकि हमारी पहली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइस हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।